suggesting that the army would have the capability to stage attacks from multiple locations. Наша задача – тримати під контролем кордон. So if it will be some situation, we will fight. If you want peace, you should be prepared for the war. The border with Belarus stretches for over 1,000 kilometers. All along this northern frontier, the men and women of Ukraine's border guard are getting ready. So hello everyone, my name is Shashank. I am a third year medical student in Ukraine, Vinnytsia. तो अभी जैसा कि आप लोग सिचुएशन सुन रहे होंगे, इंडिया में हो या यूक्रेन में हो, काफ़ी लोग पैनिक भी कर रहे हैं क्योंकि इंडियन न्यूज़ पे कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं। तो अभी कल ही मेरे पास एक न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया था, मैं न्यूज़ चैनल का नाम तो नहीं लूँगा, बट उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हें ऐसा पोर्ट्री करना है कि यूक्रेन में काफ़ी दिक्कत है इंडियन स्टूडेंट को। और उन्होंने मतलब कुछ मुझे ऐसा ही बोला कि अमेरिका यूक्रेन से अटैक करवा रहा है, ऐसा कुछ बोलने का। फर्स्टली उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देना नॉर्मल, फिर मैंने कहा कि हाँ दे लेंगे, जैसे सिचुएशन है बता देंगे। फिर उन्होंने जब इंटरव्यू का टाइम हुआ तो वो बोलते हैं जैसा हम बोलेंगे फिर तुम्हें वैसा बोलना है, तो फिर मैंने डिनाई कर दिया, क्यों झूठ क्यों बोलना, जो जब यहाँ नॉर्मल सिचुएशन है, हम लोग डेली के अपने जैसे रूटीन फॉलो करते हैं वैसे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ के लोकल जो वो भी नॉर्मल ही हैं। और अभी हमें एम्बेसी के साइड से ऐसे कोई वो रेगुलेशन आई नहीं है कि हमें इंडिया जाना है या नहीं जाना, पैनिक स्टेज पर जाना है, तो ना कि यूनिवर्सिटी के साइड से ऐसा कुछ नोटिस आया है या हमारे ऑफिशियल जो यहाँ पर इंडिया से उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो हम ऐसा न्यूज़ क्यों स्प्रेड करें कि पैनिक करें स्टूडेंट या जो हमारे रिलेटिव्स या पेरेंट्स जो इंडिया में हैं, जो नोन है हमारे, अगर 20,000 स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ते हैं तो उनके राउंड 1 लाख नोन होंगे इंडिया में। तो अगर हम ऐसी न्यूज़ पोर्ट्रे करते हैं इंडिया में कि यहाँ पर रशिया इन्वेड कर देगा यूक्रेन को या रशिया अब ये अटैक कर रहा है, अगर आप कोई भी चैनल उठा के देख लो इंडिया में तो बस यही बात हो रही है कि ये मिसाइल कर दी, अमेरिका ये करने वाला, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करके रशिया से लड़ाई करना चाहता है, तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये सारी इंटरनल चीज़ें हैं तो कोई भी इन सारी चीज़ों को बता नहीं सका। बट करंट सिचुएशन मैं बता सकता हूँ कि करंट सिचुएशन अभी देखो नॉर्मल है यूक्रेन में। यूक्रेन में कोई भी, मैं यहाँ पर अभी ऐड करूँगा कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उनकी वीडियो भी ऐड करूँगा, उन्होंने क्या बोला है, बाकी और भी कुछ जो ऑफिशियल नोटिस आया है इस बारे में वो भी ऐड करूँगा। तो अभी तो सिचुएशन नॉर्मल है, बट इंडियन न्यूज़ को टीआरपी चाहिए, वो टीआरपी के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हैं। और खाली ये सिचुएशन नहीं, कोई भी सिचुएशन हाइप होती, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को देख लो, उसको पूरे भाई 3-4 महीने चलाते रहे, ये हो गया वो हो गया, किसी भी मतलब हाइप टॉपिक जो होता है, मतलब जो ट्रेंडिंग होता है, उसको न्यूज़ चैनल इंडिया में चलाते हैं। बहुत ही लिमिटेड चैनल हैं जो कि इंडिया में सच बताते हैं, बहुत ही लिमिटेड, मतलब 1-2, बाकी सारे न्यूज़ चैनल फेक न्यूज़ दिखाते हैं इंडिया में। और सेम इंटरनेशनल न्यूज़ में भी यही, खाली इंडिया में नहीं है, पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ में यही चल रहा है, यूक्रेन रशिया, भाई यहाँ सब कुछ नॉर्मल है और सब लोग मतलब जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो सारा कुछ यहाँ नॉर्मल है। बाकी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। और बाकी इंडियन एम्बेसी पे हमें इतना ट्रस्ट है ही, अगर कुछ होता है तो हमें वो इन्फॉर्म करेंगे और यहाँ से एवेक्यूएट करेंगे, तो इतना तो इंडियन एम्बेसी पे हमें ट्रस्ट है ही, अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक हमें इन्फॉर्म करते, बाकी हमने फॉर्म भर दिया है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें यहाँ जल्दी निकाला जाए। और हमारे रिलेशन भी रशिया से अच्छे हैं तो रशियन एम्बेसी भी इंडियन एम्बेसी को यहाँ ऑब्वियसली इन्फॉर्म करेगा हाँ ऐसा होने वाला है, तो ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में थोड़ा स्ट्रांग ही होना सही होता है, क्योंकि पैनिक में आदमी घबरा जाता है और गलत स्टेप लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रांग, और ज़्यादा स्ट्रांग हमें होना चाहिए। तो जो भी पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, ये न्यूज़ चैनल वालों की ये हालत ही है, ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे वो दिन भर यही चलाते रहते हैं। तो आप यूट्यूब खोल के देख लो, अभी ये मिसाइल रशिया ने दाग दी, ये कर दिया, तो ये सारी चीज़ें फालतू की हैं। So this video is for the all the Indians living in Ukraine and their parents back in India. तो किसी ना किसी को तो सामने आके बताना ही पड़ेगा रियलिटी क्या है, क्योंकि न्यूज़ वाले तो रियलिटी बताने से रहे आजकल, तो वो और टीआरपी के चक्कर में कुछ भी बता रहे हैं। सो जितने भी स्टूडेंट यूक्रेन में रह रहे हैं, सबके पेरेंट्स वरी कर रहे होंगे और उनका
घबराना लाजमी भी है, क्योंकि न्यूज़ चैनल ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत सिचुएशन है ही, बॉर्डर टेंशन है, तो पेरेंट्स ऑब्वियसली टेंशन लेंगे ही। तो कुछ ये पॉइंट में रखनी चाहिए, हमें ध्यान में रखनी चाहिए जो करना है हमें। पहली बार तो अपने अकाउंट में अराउंड 50,000 रखें हरदम के लिए, अगर कुछ भी एवैक्यूएशन प्रोसेस होता है या फ़्लाइट करनी हुई तो उसके लिए पैसा रखें अपने अकाउंट में। दूसरा चीज़, लगेज पैक करके रखें जो अपना लिमिटेड सामान है। ये चीज़ें नहीं, मतलब फालतू में जो चीज़ें यहाँ छोड़नी वो छोड़ सकते हो, मतलब जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको पैक करके रखें हरदम। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं यहाँ के, यूक्रेन के या इंडिया के, उनको एक बैग में रखें, एक मतलब फाइल बना लें उसकी। और डॉक्यूमेंट्स मतलब मेन इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कपड़े वपड़े तो चलते ही रहेंगे। तो जो मेन चीज़ें उनको एक लगेज में डाल के रखें, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है आगे चल के। बाकी अभी तो सब नॉर्मल ही है, बट इन केस मतलब अपने साइड से सेफ्टी रखने के लिए, तो लगेज एक पैक करके रखें। बाकी पैसों का जो बताया उसको अपने अकाउंट में डाल के रखें टिकट्स के लिए। और ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन है नहीं, देखो जितना घबराओगे उतनी और दिक्कत बढ़ती जाएगी। और अपने पेरेंट को इन्फॉर्म करके रखो, ये सारे न्यूज़ चैनल के बारे में बता के रखो कि कैसा क्या ये कर रहा है। मैंने तो कुछ न्यूज़ चैनल का यहाँ तक ये देखा कि डेजर्ट में कहीं मिसाइल चल रही है और उसको दिखाना, ये रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तो भाई यहाँ बॉर्डर पर बर्फ़ पड़ी हुई है, मतलब क्या इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है न्यूज़ चैनल का, और क्या इनका लेवल है ये मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं, अब ये अटैक हो गया, यहाँ पेरेंट फ़ोन करके पूछ रहे हैं हाँ क्या कीव में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, ये। तो भाई कुछ भी ये लोग दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़ा इन सब पे ध्यान रखना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ को कैसे ये लोग पोर्ट्रे करके दिखा रहे हैं, किस वे में, मतलब एक छोटी सी TRP के चक्कर में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो जितने भी स्टूडेंट रह रहे हैं यूक्रेन में, तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है, यूक्रेनियन गवर्नमेंट हमारे साथ है, इंडियन एम्बेसी हमारे साथ है, जो सो जैसा भी होगा इंडियन एम्बेसी हमें ज़रूर इन्फॉर्म करेगा। तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना है ऐसी सिचुएशन में। और ऑब्वियसली यूक्रेन में हम रह रहे हैं, यूक्रेन हमारा सेकंड होम है, तो हमें यूक्रेन को सपोर्ट करना है सोशली और ऑन द ग्राउंड लेवल ऑल्सो। सो वी आर विद यूक्रेन एंड वी विल सपोर्ट यूक्रेन। स्लावा यूक्रेना। फ्रॉम यूक्रेन, शशांक मिश्रा साइनिंग ऑफ।